हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोर्सेप स्टार्टर 127 डिवीजन 2 प्रॉब्लम ए टू डी। ठीक है, तो इस कॉन्टेस्ट में जो है डिवीजन 2 में मेरा रैंक है इस बार 34 और ये वन ऑफ द बेस्ट रैंक है अभी तक जो है कोर्सेप का डिवीजन 2 में जो है। तो अब देखते हैं वंस ए से डी तक प्रॉब्लम में क्या है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ए और प्रॉब्लम बी जो है ये बेसिक ऑब्जर्वेशंस लगेंगे और आपको बेसिक नॉलेज होगा ही। ठीक है, ट्रायंगल्स क्या है, होते हैं, ठीक है, ये सब तो बेसिक ऑब्जर्वेशंस के साथ ए और बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम सी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें बेसिकली मैं सेट यूज करूंगा जो है। और प्रॉब्लम डी जो है वो काफी अच्छा प्रॉब्लम है, उसमें बाइनरी सर्च यूज होगा। आपको इस प्रॉब्लम के लिए बेसिकली पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च होता कैसे है, क्या होता है, और कोई प्रॉब्लम देख के आप ये आइडेंटिफाई कर लें एटलीस्ट कि इस प्रॉब्लम में बाइनरी सर्च लगेगा। अगर आपको ये नहीं पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम देख के अच्छा इसमें बाइनरी सर्च लगेगा, तो इसका मतलब है कि आपको बाइनरी सर्च पहले पढ़ना चाहिए, तो इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करें। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम ए क्या होगा, सुपर इंक्रीजिंग। ठीक है, सुपर इंक्रीजिंग क्या है बेसिकली, इसको हम समझते हैं अपने लैंग्वेज में और यहाँ पे। ठीक है, सुपर आपको क्या बोला गया है कि एक सीक्वेंस जो है वो सुपर इंक्रीजिंग होगा। सपोज A1 है, A2 है, A3 है, सो ऑन An है। ये मान लीजिए एक सीक्वेंस है n नंबर्स का। ये सुपर इंक्रीजिंग तब होगा जब ith नंबर जो है वो A0 प्लस A1 प्लस सो ऑन AI-1। ओके, ith नंबर सम ऑफ फ्रॉम 0 टू I-1 सभी नंबर्स का जो है सम से बड़ा अगर ith नंबर होगा तो हम बोल देंगे ये सुपर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। ठीक है, तो ये है बेसिकली। अब आपको क्या दिया गया है इसमें, आपको दिया गया है एक नंबर के और एक दिया गया x। x क्या है, k जो है वो है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स बेसिकली, और x जो है उसकी वैल्यू दी गई है। अब ये बोला गया है कि अगर ऐसा कोई सबसीक्वेंस सुपर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जिसके इंडेक्स kth इंडेक्स पर जो वैल्यू हो वो x हो। ठीक है, अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है तो आपको आंसर रिटर्न करना है एस, अदरवाइज करना है नो। ठीक है, तो सिंपल सा ये प्रॉब्लम था। अब हम समझते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर सुपर सीक्वेंस, अगर मान लीजिए ये वाला kth इंडेक्स पर ये वाली वैल्यू क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, हमें पता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें बेसिकली यहाँ का क्या करना है, 1th इंडेक्स पे, 2th इंडेक्स पे, सो ऑन k-1th इंडेक्स तक पे हमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, और ऐसी वैल्यू रखनी है इस पे 1 से लेके k-1 तक, ताकि इनका जो सम हो वो सम इस वैल्यू से क्या हो, छोटा हो, लेस देन हो। अब देखिए क्या है, अब इसका सम हमको क्या करना है, सम हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, अगर इसका सम हम मैक्सिमाइज कर दें तो अगर ये वाली वैल्यू से के एक्स से, ये मान लीजिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो एक्स होगी। ठीक है, एक सेकंड एक्स होगी। ठीक है, अगर इस एक्स से ये वाला सम बड़ा हो गया तो ऐसा सबसीक्वेंस नहीं बनेगा। तो मुझे ये पूरा फोकस है हमारा कि यहाँ 1 से लेके k-1 तक पे जो इंडेक्सेस हैं उस पे जो हम वैल्यूज रखें उनका सम मिनिमम हो, मिनिमम जितना हम कर सके। तो अब ये कैसे बना सकते हैं, तो पहला नंबर पॉजिटिव, सारे नंबर पॉजिटिव होंगे तो पहला नंबर 1 रखना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, इसका सम जो भी प्रीवियस का सम होगा प्लस 1, क्योंकि उसके सम से प्रीवियस तक के सम का ये नंबर बड़ा है। तो हम कितना बड़ा बनाए उसको, बड़ा तो हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, 1000 2000 कितना भी बड़ा बना सकते हैं, बट हम उसको मिनिमम बड़ा बनाएंगे। ठीक है, ताकि उसका सम मिनिमम है। ठीक है, तो अगर जो भी प्रीवियस का सम होगा उसका 1 ऐड करेंगे हम, तो प्रीवियस के सम में कितना है, 1 सम है अभी तक का, तो यहाँ पे 1 ऐड होके 2 हो जाएगा वैल्यू। अब यहां तक का प्रीवियस का सम कितना है, 1 प्लस 2, तो हम यहां पे जो नंबर रखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 4 रखेंगे। ठीक है, अगर अब हम इसी तरह आगे बढ़िए, अब यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 4 7, तो यहां पे कौन सा नंबर होगा, 8। एक ही ऐड करिए, क्योंकि अगर ज्यादा ऐड करेंगे तो सम आपका इंक्रीज होगा। सम अगर सम इंक्रीज होगा तो मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो है kth इंडेक्स पे आपका जो वैल्यू आए वो बढ़ी आएगी। तो आपको मिनिमम रखते हुए चलना है और आपको चेक कर लेना है। और अगर आपको इस वाले इंडेक्स तक जो है, आप अगर इंडेक्स अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग मान रहे हैं तो इंडेक्स बेस माइनस वन या जो भी आप देख लीजिए, अगर आप इस वाले इंडेक्स तक पहुंच जाते हैं, इंडेक्स माइनस वन तक, मान लीजिए 1 से इंडेक्स माइनस वन तक, अब यहां तक का अगर सम जो है अगर वो
इस एक्स से छोटा होगा तो इसका मतलब आंसर यस है, अदरवाइज नो है। ठीक है, तो इसका अगर हम कोड देखें तो कोड वैसे देखने की जरूरत नहीं, आप खुद कोड कर सकते हैं, बट ठीक है इसका कोड देख लेते हैं हम। बेसिक क्या है कोड, इसमें पहले हमने इनपुट ले लिया, एक्स को इनपुट ले लिया, और क्या ले लिया, इंडेक्स इनपुट ले लिया, फिर हमने एक सम बना लिया। ठीक है, अब वन से इंडेक्स -1 तक क्या करे हमने, हमने क्या किया, सम को काउंट ऐड कर लिया, और काउंट अब क्या हो जाएगा, सम +1 हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट बार जो काउंट ऐड होगा इस सम में वो क्या होगा, जो है उस सम जो प्रीवियस का सम है +1, यही तो होगा ना अगला बार जो ऐड होगा, जो ये जो वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो अब वही है कि सम क्या है, सम तो पूरा नंबर का सम है, जो भी वन से इंडेक्स -1 तक के नंबर है उनका सम हम स्टोर करते जा रहे हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे सम एक्स से बड़ा हो गया तो इसका मतलब हो गया कि आप ऐसा आंसर अचीव नहीं कर सकते, तो हमने चेक वहां पे वन करके हम ब्रेक कर लेंगे। अगर एट द एंड अगर चेक 0 रह गया तो इसका मतलब हमारा सम वो ऐसा सीक्वेंस बनाना पॉसिबल है, और अदरवाइज आंसर नो हो जाएगा कि ऐसा सीक्वेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम, और हमने इसको देख लिया है। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, ये प्रॉब्लम क्या है, एंटी ट्रायंगल। ओके, देखते हैं एंटी ट्रायंगल में क्या है। ओके, इसको अपने ही लैंग्वेज में समझते हैं, बस यहाँ से कंस्ट्रेंट हम देख लेते हैं। एन की वैल्यू जो है वो 2 से 1000 हो सकती है, और एल की वैल्यू 10 की पावर 9 हो सकती है। ठीक है, इसको अपने ही लैंग्वेज में देखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत बड़ा है। इसमें दिया गया है आपको, क्या गया है, हमें एक वैल्यू एल दी गई होगी। एल क्या है, एल है ये साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एन सीक्वेंस रिटर्न करना है। ठीक है, एन सीक्वेंस a1 a2 a3 a4 सो ऑन an। अब कुछ कंडीशंस ऐड होंगी इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, तो हमें इस सीक्वेंस को जो रिटर्न करना है उसमें कुछ कंडीशंस होंगी। क्या, अगर हम i और j, ठीक है, अगर हम जो है i और j, सपोज ए जे एंड ए आई, हमने अगर कोई भी एक पेयर सेलेक्ट किया, एनी पेयर, इफ वी सेलेक्ट ए आई कॉमा ए जे एंड वी हैव गिवेन एल, ओके, तो ए आई और ए जे और एल ये साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होंगी। ठीक है, बट हमें ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि ताकि कोई भी अगर हम पेयर सेलेक्ट करें ए आई और ए जे, वो एल के साथ वो ट्राइंगल ना बनाए। ठीक है, क्या करें, वो ट्राइंगल ना बनाए, ये ट्राइंगल का सिंबल, ट्राइंगल ना बनाए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ठीक है, ए आई हमें सेलेक्ट करना है, कोई भी पेयर जो एल के साथ ट्रायंगल नहीं बनाएंगी। अब हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल बनता कब है और कब नहीं बनता है। तो बेसिकली ट्रायंगल का अगर हम देखें तो ये कब बनता है और कब नहीं बनता है। ठीक है, कब बनता है और कब नहीं बनता है, तो ट्रायंगल कब नहीं बनता, जब मिनिमम दो साइड्स एक्स प्लस वाई, सपोज मान लीजिए दोनों मिनिमम साइड्स हैं, जो है अगर वो लार्जेस्ट साइड के से इक्वल या छोटी हो गई तो ट्राइंगल क्या होता है, नहीं बनता है। अगर ये एक्स प्लस वाई बड़ी हो गई जेड से तो ट्राइंगल बनता है। ठीक है, सिंपल, सॉरी ये मैंने थोड़ा वो कर दिया, उल्टा कर दिया है। ठीक है, ये बनता है ट्राइंगल, इस केस में टिक मारिए, और ये नहीं बनता है ट्राइंगल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बेसिक चीज। अब हमें क्या दिया गया, एल। अब अगर हमें एल दिया गया है तो हम बोल सकते हैं ना, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि एन नंबर सभी के सभी क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, जो है एन जो है डिस्टिंक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और वो नंबर 1 से लेके 10 की पावर 9 तक होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम कैसे कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, अगर हमारे पास एल है तो हमारा पहला नंबर हम बोल सकते हैं एल, दूसरा नंबर 2L, तीसरा नंबर 3L, चौथा नंबर 4L, सो ऑन NL। ठीक है, ये हमारा आखिरी नंबर होगा, एन इंटू एल है। ठीक है, ये वैल्यू है। तो अगर एल प्लस एल, अगर ये दो स्मॉलेस्ट नंबर हुए तो इससे ये बराबर है, ट्रायंगल नहीं बन रहा। अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे या कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए 4L सेलेक्ट कर लेंगे, तो 4L के आगे जो होगा वो 5L होगा, तो 4L प्लस L जो है 5L होगा, इन दोनों का सम, और जो कि इसके कोई भी साइड से छोटा है, 5L से छोटा है। अगर आप कोई भी साइड लेंगे, मान लीजिए यहां से कोई भी एक पेयर लेंगे सपोज मान लीजिए, तो उनका L से जो है वो जब आप उसको जोड़ेंगे मिनिमम, तो वो छोटा ही होगा। बट क्या होगा जब n की, मान लीजिए l की वैल्यू 10 की पावर 7 हो गई, और n की वैल्यू, एक एग्जांपल हम एक एज केस बना रहे हैं, ठीक है, 1000 हो गया, तो ये वाला सोल्यूशन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 1000 इंटू l की वैल्यू,
ये हो जाएगी 10 की पावर 10, और हमें पता ना क्या है नंबर 1 से लेके 10 की पावर 9 तक ही होना चाहिए। तो इस केस में ये फेल हो जाएगा ये अप्रोच आपका, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपका 10L की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 6 हो गई ना, 10 की पावर 6 हो गई, तो ये वाला अप्रोच आपका फेल हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू, वर्स्ट केस में एन की वैल्यू 1000 अगर होगा तो ये अप्रोच फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अप्रोच कब तक वैलिड है, जब तक एल की वैल्यू 1000 10 की पावर 6 से छोटी या बराबर है, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अब मान लीजिए एल की वैल्यू जो है वो 10 की पावर 6 हो गई, तो इस केस में क्या कर सकते हैं आप, आंसर सिंपली 1 2 3 4 सो ऑन एन तक रिटर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 को ऐड करेंगे, ये दो छोटे नंबर, ठीक है, ये दो छोटे नंबर हैं, एल की वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। तो दो छोटे नंबर अगर वो बड़े वाले साइड से अगर छोटे हैं जो है, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल नहीं बनेगा कभी। तो इसका कोड भी बहुत सिंपल होगा, देख लेते हैं इसका कोड क्या है। बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत ही सिंपल, प्योरली ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है, बस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर L की वैल्यू छोटी है 10 की पावर 6 से, तो हमें क्या कर देना है, बस वही कर देना है, L इंटू 2L इंटू 3L, यही सब रिटर्न कर देना है NL तक, ठीक है। और अगर 10 की पावर 6 से अगर L की वैल्यू बड़ी है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 एज ए सो ऑन N तक रिटर्न कर देना है, सिंपल। तो इस प्रॉब्लम में ज्यादा कोई खास था नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम सी। प्रॉब्लम सी क्या है, ए बी सी कंजक्शन, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं, अब इसमें क्या है, इस प्रॉब्लम में पहले ये देख लेते हैं, अपने ही लैंग्वेज में देख लेंगे, ठीक है। आपको दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं, एक स्ट्रिंग ए एक स्ट्रिंग बी। जो स्ट्रिंग ए है वो क्या बना गया है, एन साइज की है, ठीक है, ऑब्वियसली ये दोनों जो है एन साइज की लेंथ की है, और जो ये स्ट्रिंग ए है ना उसमें ए बी सी से ही बनी हुई है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग बी भी ए बी सी से ही बनी है। अब हमको ये बोलना है, ठीक है, ये बोल रहा है ओके, बट बोल रहा है कि यार ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग में भी ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है, ठीक है, दो स्ट्रिंग को आपको सेम बनाना है। अब आप सेम कैसे बनाएंगे, अब ये बोल रहा है कि आप सेम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एक सेकंड, एक नया पेज ऐड करने दीजिए, और यहां से कोई एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए आपको अच्छे से, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल जो है, हाँ, इसने ये बोल रहा है कि आप आई जे और के तीन एलिमेंट है, मान लीजिए तीन इंडेक्स आप सेलेक्ट करते हैं जो है स्ट्रिंग ए से, ध्यान रखिएगा। अब वो क्या करना है आपको, स्ट्रिंग जो ये आई है ना, वो आईथ करेक्टर जो है वो पक्की बात है वो ए होना चाहिए, ये जेथ वाला बी होना चाहिए, और ये केथ वाला इंडेक्स पे वो सी होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ अभी तक, स्ट्रिंग ए का तीन इंडेक्स आपको सिलेक्ट करने हैं, आई जे के, आईथ इंडेक्स जो है वो करेक्टर ए होना चाहिए, जेथ पे बी करेक्टर होना चाहिए, और केथ पे सी करेक्टर होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि आप इस चीज को अब ये ऐसे बना सकते हैं, ये आईथ पे ये करेक्टर सी स्वैप कर दीजिए और ये केथ पे करेक्टर ए स्वैप कर दीजिए। तो इसका मतलब मोटा मोटा ये हुआ, आप ए बी सी है, आईथ इंडेक्स है, ये जेथ इंडेक्स है, ये केथ इंडेक्स है, इसको आप स्वैप करके आप इसको बना सकते हैं सी डी ए, ये आईथ है, ये जेथ है, ये के है, ठीक है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। बट वही है, आई जे के डिस्टिंक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो ए बी सी तीन डिफरेंट कैरेक्टर मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, एनी नंबर ऑफ टाइम कोई भी कितना भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये वन ऑपरेशन है, ये वन ऑपरेशन है। अब आपको यही ऑपरेशन कितना भी नंबर ऑफ टाइम्स करना है, और आपको बताना है कि जो स्ट्रिंग ए है क्या वो बी बन सकती है या नहीं बन सकती, ठीक है। अगर ये बन सकती है तो आपको रिटर्न करना है यस, अदरवाइज आपको रिटर्न करना है इस केस में, अगर वो नहीं बन सकती तो आपको रिटर्न करना है नो, ठीक है, सिंपल, यही है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हम एक एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई एस नो का ऑप्शन, चलो देखते हैं, ठीक है, नो का ऑप्शन देख लेते हैं, इसको हटाते हैं पहले, ओके हट गया। अब देखते हैं, मान लीजिए ये वाला है ए सी बी और ए बी सी, ठीक है। अब आपको इसको नहीं टच करना है,
बी वाले स्ट्रिंग को टच नहीं करना है, ए वाले को टच करना है। ओके ये बी है, तो बी के, अच्छा ये मैच कर रहा है, कोई बात नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, ये दोनों नहीं मैच कर रहे हैं, तो अगर आप ये बी के, बी आपने जे एज अ जे सेलेक्ट किया है, तो आई आप किसको सेलेक्ट करेंगे? आई के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आई अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, बट ये अपने ऑलरेडी मैच है, तो जे के आप इधर सेलेक्ट करेंगे, इसके इधर, ठीक है, जे के इधर सेलेक्ट करेंगे, बट के कोई है ही नहीं, तो आप स्वैप ही नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका मतलब है आंसर नो, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला चीज, तो एक चीज और आप देख सकते हैं, काउंट ऑफ, पहले तो ए में जो काउंट ऑफ ए होगा, काउंट ऑफ ए, ए में काउंट ऑफ क्या होगा, बी, और ए में काउंट ऑफ सी, ठीक है, ये तीनों बराबर होना चाहिए, किसके, बी के काउंट ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, बी के काउंट ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए, काउंट ऑफ इसके भी इक्वल होना चाहिए बी के, और इसके भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब काउंट ऑफ ए जो बता रहा है कि ए का कितना काउंट है ए में, और वो बराबर होना चाहिए बी के काउंट के, बी में ए का कितना काउंट है, क्योंकि अगर ए का, ए ही बराबर नहीं हुआ ए बी सी में, इसमें मान लीजिए कोई भी नंबर, मतलब मान लीजिए कोई भी करेक्टर ए बी सी में, इसमें कुछ अलग फ्रीक्वेंसी में है, इसमें कुछ अलग फ्रीक्वेंसी में है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा ना कि आप उसको ए को बी में ट्रांसफर कर सकते हैं, होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो पहला केस है, ये हम समझ चुके हैं, बेसिक है, ठीक है। और एक इसमें एक चीज है, क्या इसमें जो है ना, करेक्टर ए में जो स्ट्रिंग ए है उसका जो बीएथ पोजीशन है, जिस जिस करेक्टर पे, मान लीजिए जिस करेक्टर पे, मान लीजिए ए वन, ए आई अगर बी हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन पे बी आई को भी बी होना पड़ेगा, ये करेक्टर, ये नेसेसरी है, क्यों, क्योंकि आप ए बी सी है उसको आप स्वैप करके क्या बना रहे हैं, आप उसको बना रहे हैं बी वहीं पे है सी ए, इसका मतलब बी अपनी पोजीशन को बदला ही नहीं, ठीक है, ए और सी आपस में अपनी पोजीशंस को बदलेंगे, बट बी अपनी पोजीशन को कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, ये हमें क्लियर होगा, तो इसलिए बी का जो जो पोजीशन पे बी ए में है वही बी में भी बी का पोजीशंस होना चाहिए। अगर एक भी ऐसा केस होता है जहां पे ए आई में, ए आई ऑफ जो है ये, अगर ए ऑफ आई अगर बी होता है, और ऐसा कोई केस होता है कि बी ऑफ आई अगर नॉट बी होता है, मतलब बी नहीं है, तो आंसर तो भैया हमेशा नो ही होगा, क्यों नहीं होगा, समझ गए हम, क्योंकि बी वही का वही है, ए और सी आपस में स्विच कर रहे हैं, किसके किसके करस्पॉन्डिंग, बी के करस्पॉन्डिंग, बी बीच में बैठा हुआ है, ये इधर सी है इधर ए है, दोनों आपस में स्विच कर सकते हैं, ठीक है, ये मेन फील है, ठीक है, प्रॉब्लम की, तो इतना में पता चल चुका है कि काउंट ऑफ ए बी सी तीनों करेक्टर ए और बी में इक्वल होना चाहिए, और बी जो है, बी का करेक्टर पोजीशन जो पोजीशन पे ए में है बी करेक्टर, वही बी में भी होना चाहिए, दोनों स्ट्रिंग में होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, तो इतना हमें पता चल चुका है, लेकिन हमें एक चीज और, अच्छा ठीक है ये हो गया, बट अब हम आगे इसको कैसे करेंगे, तो अब आगे कैसे करेंगे, अब सपोज मान लीजिए ये वाली स्ट्रिंग है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, ये ए ये बी ये सी, ये ए ये बी ये सी, ये मान लीजिए हमारा स्ट्रिंग है, ये हमने खुद से एग्जांपल बनाया है इसको, सी बी ए सी बी ए, ठीक है, ओके, तो क्या इसको बनाना पॉसिबल है, ये देखते हैं पहले, या पॉसिबल है, क्यों, ये वाला देखिए, पहले तो ये सेम है, ठीक है, ये भी सेम है, तो बी वाले तो कोई, बी वाला तो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है, दोनों करेक्टर पे बी है और बी सब कुछ है, काउंट भी देखिए आप, काउंट ए काउंट बी काउंट सी से भी इक्वल है, ठीक है, अब आप ये कैसे कर सकते हैं, अब आप ये देखेंगे कि ए और सी, देखिए अब अगर कोई भी करेक्टर आईएथ करेक्टर पे अगर वो डिफरेंट हुआ, अगर ये डिफरेंस है, तो दो कंडीशन होगा, या तो ये ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा, मान लीजिए ये ए स्ट्रिंग की है बी स्ट्रिंग की है, ए या बी का कॉम्बिनेशन होगा, या तो सॉरी 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 ए या सी का कॉम्बिनेशन होगा, या तो सी और ए का कॉम्बिनेशन होगा, मानते हैं आपकी बात, ठीक है, तो अब एक चीज और हम देख सकते हैं, जब ये कॉम्बिनेशन होगा ए और सी का और सी और ए का, तो जिस पॉइंट पे ए और सी आएगा, अब हम क्या चाहेंगे कि यार एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे सी और ए होगा, पक्की बात है, अगर ये ए और सी हुआ, एक पॉइंट पे ए और सी हुआ, तो देयर मस्ट बी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे सी और ए होगा, क्यों,
क्योंकि काउंट ऑफ ए इस वाली स्ट्रिंग में और इस वाली स्ट्रिंग में बराबर है, काउंट ऑफ सी इस वाली स्ट्रिंग में ए में और काउंट ऑफ इसमें बराबर है। अगर एक पॉइंट पे वो ए और सी मैच नहीं करते हैं तो डेफिनेटली एक पॉइंट होगा ऐसा जरूर जहां पे सी और ए होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है? आपको मूव करने से पहले इस चीज को आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। देखिए ये मैंने जो ये पॉइंट बोला है वो क्यों बोला है, ठीक है? मैंने क्या बोला है, अगर ये वाला ए स्ट्रिंग है, ये वाली बी स्ट्रिंग है, अगर यहाँ पे करेक्टर, एक सेकंड, अगर यहाँ पे करेक्टर ए है, यहाँ पे सी है, मतलब कोई आईथ करेक्टर, तो एक करेक्टर, एक इंडेक्स जेथ एग्जिस्ट जरूर करेगा जहां पे ये एक सी होगा, यहाँ पे ये ए होगा। हो सकता है जे करेक्टर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, मोर देन वन आंसर भी पॉसिबल होगा, तो मोर देन वन आईथ टाइप के भी करेक्टर पॉसिबल होंगे, जहां पे अगर ए स्ट्रिंग में ए है और यहाँ सी है, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है। आप देख लीजिए इसी केस में, यहाँ इस वाले इंडेक्स को देखिए, यहाँ पे ए और सी है, तो यहाँ पे सी और ए है, यहाँ पे फिर से ए और सी है, यहाँ पे देखिए सी और ए है, तो इसलिए ये आंसर एस पॉसिबल होगा, ठीक है? और अब देखते हैं, और डीप में जाते हैं इसमें, और डीप में जाते हैं, ठीक है? डीप में ये है, देखिए सीधा जो प्रॉब्लम बोला गया ना उसी को फॉलो करिए, आपका पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये देखते हैं। अगर आपका ए और सी यहाँ है, ठीक है, आप हमेशा ना एक काम करिए, ए और सी वाले को चेक करिए, ठीक है? ए है करेक्टर इसमें, स्ट्रिंग ए में ये ए है, और सी में, सॉरी ये करेगा स्ट्रिंग बी है, बी में अगर ये सी है, जिस करेक्टर, जिस पोजीशन पे आप ये वाला पेयर पाएंगे ए और सी का, अब आप ये सोचिए कि मुझे सी और ए ढूंढना है। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक सी और ए होता, मान लीजिए, ठीक है, अभी नहीं, ये ज्यादा डेप्थ तो हो जाएगा, इसको थोड़ा अभी साइड करते हैं, रुकिए। अगर ये ए और सी हुआ तो आपको सी और ए चाहिए, ये आईथ अगर करेक्टर है, ये जेथ करेक्टर है, चाहिए, बट एक कंडीशन है कि उसके पहले, उस जे के पहले एक बी आना जरूरी है, ठीक है? ये आप मानते हैं, एक बी आना जरूरी है, तभी आप उस जेथ आईथ को जेथ से स्वैप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो अगर आपको मैं कहूं, आपको अगर मैं एक चीज बोलूं, एक सेकंड इसको बड़ा करते हैं, हाँ ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं कि आपको आइट्रेट ए और सी के पेयर पे करना है, जिस करेक्टर पे ए आई, ए ऑफ आई इक्वल इक्वल टू क्या हो, ए हो करेक्टर, एंड बी ऑफ आई इक्वल टू सी हो करेक्टर। अगर आपको इस वाले पोजीशन पे आप हैं तो आपको ये देखना है कि उल्टा कहां पे होगा, ए ऑफ आई सी और बी ऑफ आई ए कहां पे होगा, किस किस इंडेक्स पे। बस एक कंडीशन है कि वो जो जो इंडेक्स जे होगा उसके पहले देयर मस्ट बी एक करेक्टर बी का होना जरूरी है। तो मैं क्या बोलूंगा, जहां पे सी और ए वाला कॉम्बिनेशन है, सी और ए वाला कॉम्बिनेशन है, उस इंडेक्स को मैं स्टोर कर लूंगा। तो इसका अगर इंडेक्स है 0, ये है इंडेक्स 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इसका इंडेक्स स्टोर कर लूंगा, ओके? सी और ए का एक इंडेक्स है 5 पे है, और ये कहां पे है, प्री कंप्यूट कर रहा हूं मैं बेसिकली, ठीक है? ये सी और ए का एक पेयर है जो 2 पे है, ओके, एक कॉम्बिनेशन आ गया। बट एक चीज जरूरी है, अगर आप 0th पे हैं, आप सर्च करेंगे लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड आप सर्च कर लीजिए, या हाँ लोअर बाउंड ही कर लीजिए, इस वाली चीज में जहां पे सी और ए का पेयर आप स्टोर कर रखे ना, इनवर्स ऑफ इट, ठीक है, ए और सी को जब आप सर्च कर रहे हैं तो आप सी कॉमा ए वाले पेयर में देखेंगे कि लोअर बाउंड ऑफ दिस करेक्टर कोई है, तो अगर लोअर बाउंड ऑफ दिस करेक्टर है ये 2 पे, तो कहेंगे ओके। बट एक प्रॉब्लम है इसमें कि यार ये भी चेक करना पड़ेगा कि पहले उसके एक करेक्टर बी भी है या नहीं, ठीक है? आप क्या करेंगे बेसिकली, आपको मैं बता रहा हूं, आप यहाँ पे एक इंटरफेस, ये क्या कर रहा है, ए और सी अगर यहाँ पे है तो सी और ए के बीच में एक बी का इंटरफेस होना जरूरी है, वही बी के करेस्पॉन्डिंग तुम स्विच करोगे, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, बी जहां जहां पे बी है उसका मैं पोजिशन स्टोर कर लूंगा एक एरे में, मान लीजिए यहाँ पे 1 और 4th इंडेक्स पे बी है, 1,4 पे मान लीजिए बी है। अब मैं यहां से क्या देखूंगा, ठीक है, इस पोजीशन पे है, मैं एक लोअर बाउंड लगाऊंगा पहले, यार इस 0 का ना एक लोअर बाउंड मैं इसमें लगाऊंगा, मान लीजिए सेट है, ठीक है, सेट में मैं बना रहा हूं, ठीक है, बेसिकली तो एक लोअर बाउंड इस पे लगाऊंगा कि यार इस 0th का लोअर बाउंड इस वाले में कहां होगा, क्या जहां जहां पे बी स्टोर है, जो बी का सेट है,
तो ये क्या कर देगा, ओके भाई वन वन पे मैं एक भी स्टोर हूं, वन लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड का मतलब यहां पे जीरोथ इंडेक्स का जस्ट बड़ा वाला, तो कह दूंगा वन, ओके बी। अब जो है इस बी के बाद अब लोअर बाउंड में लगाऊंगा सी और ए पे, मतलब इस वाले स्ट्रिंग पे। एक बार लोअर बाउंड इस पे लगा दिया, एक बार लोअर बाउंड जो भी यहां से आएगा उस पे मैं ये वाले पे लगा दूंगा कि भाई एक लोअर बाउंड तो तुम्हें मिल चुका है, तो वो एक, बट अगला लोअर बाउंड मैं इस पे लगा दूंगा, ठीक है, कि भाई इस पे अगला लोअर बाउंड किस वैल्यू पे लगेगा, इस वाली वैल्यू पे लगेगा, जो वैल्यू यहां से आएगी इस पे लगेगी। अगर इन दोनों में से कोई भी दे देता है कि मान लीजिए इंडेक्स के इंड के बराबर दे देता है, मान लीजिए इस पे कोई लोअर बाउंड आप सर्च करते हैं कोई वैल्यू मिलता ही नहीं आपको, ठीक है, इस पे कोई वैल्यू सर्च करते हैं कोई वैल्यू मिलता ही नहीं, इसका मतलब आंसर पॉसिबल नहीं है, नो, वहीं पे आपको ब्रेक कर देना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ, ए बी सी, ए बी सी और सी बी ए, सी बी ए कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ए कॉमा सी वाले पेयर पे मैं आइटरेट करूंगा, ठीक है, जहां पे ए वाला होगा यहाँ ए स्ट्रिंग का और बी स्ट्रिंग का, मैं इस पे ए कॉमा सी वाले पे आइटरेट करूंगा, देखूंगा कि मुझे सी कॉमा ए वाला पेयर चाहिए, ठीक है। बट एक चीज मैंने देखा कि भाई ए कॉमा सी तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे मिल जाएगा, मैं आराम से मैं खुश भी हो जाऊंगा, बट उसके चक्कर में उसके पहले मुझे एक बी वाला चाहिए, बी का इंटरफेस चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा कि जहां जहां पे बी स्टोर है, पहले एक जगह पे होगा सेट पे जहां पे बी स्टोर रखूंगा और जहां पे मैं सी कॉमा ए वाला भी स्टोर रखूंगा इंडेक्स, तो पहले इस वाले इंडेक्स पे मैं लोअर बाउंड लगाऊंगा, वो बता देगा कि यार इस इंडेक्स पे ये पहला इंडेक्स है जो कि इससे बड़ा है और बी का ये इंडेक्स है। वो इंडेक्स अगर हमें नहीं मिला, मान लीजिए मान लेते हैं नहीं मिलता है, तो आंसर नो, अदरवाइज अगर वो इंडेक्स मिल गया तो अब उस इंडेक्स से मैं दूसरे वाले सेट पे लगा दूंगा लोअर बाउंड की, यार इससे बड़ा एलिमेंट कहाँ पे है जो कि सी कॉमा ए स्टोर कर रखा है, और मिलेगा फिर क्या करूंगा, फिर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वाले को, इस वाले सेट से इस वाले इंडेक्स को हटा दूंगा, नहीं तो हो सकता है फिर से यहाँ कोई ए कॉमा सी आए फिर से यही सी कॉमा ए से खुश हो जाए, नहीं, क्योंकि अब ये वाला सी कॉमा ए इससे स्वैप हो चुका है, तो अब इसको हटाना भी जरूरी है, सेट से इरेज कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका कोड देखें, बेसिकली कोड इसका सिंपल है, बट आपको सेट का इम्प्लीमेंटेशन, सेट का थोड़ा बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां से मैंने क्या कर लिया है, रुकिए एक बार इन, हाँ ठीक है, यही काउंट ए काउंट बी काउंट सी बनाया और चेक बना दिया, ठीक है। चेक क्या कर रहा है कि अगर एस आई इक्वल टू बी है तो उस पे सी आई अगर बी नहीं हुआ तो चेक वन बना दूंगा, चेक वन मतलब आंसर नो का वो है, ठीक है, सिंबल बताएगा कि आंसर नो होगा, ठीक है। अगर किसी भी एक करेक्टर पे एस आई की वैल्यू बी हुई और सी आई की वैल्यू अगर बी नहीं हुई तो वहां पे चेक इक्वल टू वन हो जाएगा, नहीं तो काउंट ए एस आई में आप कर लीजिए, काउंट बी कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह काउंट ए को फिर मैं घटाता जाऊंगा सी में, काउंट बी काउंट सी, अगर काउंट ए काउंट बी काउंट सी, मैंने क्या किया, जब स्ट्रिंग ए में काउंट ए काउंट बी काउंट सी बढ़ा दिया और स्ट्रिंग बी में काउंट ए काउंट बी काउंट सी घटा दिया, अगर ये सब में से तीनों में से अगर एक भी जीरो नहीं हुआ ना तो फिर से मैं चेक वन कर दूंगा, क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है करेक्टर्स की। अगर चेक की वैल्यू वन हुई तो मैं आंसर क्या कर दूंगा, नो कर दूंगा, भाई आंसर पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज मैं क्या बनाऊंगा, दो सेट बनाऊंगा, सेट एस टी वन में मैं क्या स्टोर कर लूंगा, एस टी वन में जहां पे सी कॉमा ए का पेयर है, सी कॉमा ए का जो पेयर है वो स्टोर कर लूंगा, और बी वाला जहां जहां पे बी है वहां पे मैं आई स्टोर कर लूंगा, ठीक है, मतलब वहां उसका इंडेक्स स्टोर कर लूंगा। बेसिकली इस दोनों सेट में मैं इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ सी कॉमा ए का और बी का, करेक्टर बी का, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ये हो गया। फिर अब जीरो से एन तक चला, जहां पे सी आई की वैल्यू सी हुई और एस आई की वैल्यू ए हुई, ठीक है, करेक्टर ए करेक्टर सी, ए कॉमा सी अगर जहां पे हुआ तो मतलब अब मुझे इन दोनों को सेम बनाना है, तो सेम बनाना है तो लोअर बाउंड लगाऊंगा, मैं लोअर बाउंड लगाऊंगा और किस पे, एस टी पे, मतलब बी पे। पहले मैं ये देखूंगा कि यार ठीक है मेरे पास ये इंडेक्स आई है, मैं अब नियरेस्ट एलिमेंट वो ढूंढू जहां पे बी का इंटरफेस है, तो बी देख लूंगा, अगर ये एस टी इंड हुई मतलब कोई वैल्यू हमें मिला ही नहीं तो आंसर चेक कर दूंगा, मतलब आंसर नहीं पॉसिबल है, अदरवाइज क्या करूंगा, अदरवाइज अदरवाइज फिर से मैं लोअर बाउंड एस टी वन पे लगाऊंगा, जहां पे मैंने सी कॉमा ए वाला पेयर स्टोर कर रखा है उस पे मैं लोअर बाउंड लगा दूंगा। लोअर बाउंड अगर नहीं मिला फिर भी चेक वन हो जाएगा कि अगर ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता, अदरवाइज एस टी को मैं क्या करूंगा, इरेज कर दूंगा और चेक को, चेक मेरा जीरो ही रहेगा। फाइनली बस एक ही चीज रहेगा कि अगर चेक वन है तो आंसर नो, अदरवाइज आंसर एस, ठीक है। तो सिंपल इंप्लीमेंटेशन है थोड़ा सा,
आप इसको अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं इसमें, मैंने सेट यूज किया है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब अगला प्रॉब्लम हम देखेंगे डी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।